ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਦੀ ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ पहले तो बहुत बहुत थैंक्स मेरे मन पसंद कलाकार बुलाए हैं कमाल अजय ये ना ऐसा सारे चश्मे पहन के आ रहे तुम लोग याद क्यों नहीं करके आते ये नहीं एक्चुअली अभी कोई फिक्र नहीं अभी पहले था अभी ठीक है अभी कोई ऐसा नहीं है ठीक है उनको क्यों बता रहे हो उनको क्यों बता रहे हो वो थोड़ी पूछेंगे क्या हुआ मैं ही बताऊंगा ना कोई पूछता नहीं मेरे को मेरे को कोई नहीं पूछता जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने नहीं पूछा क्या हुआ मैंने बताया पापा मैं हूँ कोई नहीं पूछता मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा हाल थोड़ी पूछते हैं कहते तीन दिन की दवाई दे दो यार हो सकता है मैंने चार दिन खानी हो आप सोच रहे ना नहीं मैं सोच रहे कौन हूँ वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे तो मैं बता देता हूँ मैं इसका दूर का चाचा हूँ अच्छा वो तो इनको समझ में आ ही गया होगा जैसे आप बातें कर रहे हो कि रिश्तेदारी होगा तभी रखा है क्या करने के आए हो आप इधर मैं मेन काम के लिए आया हूँ मैं एक्चुअली फिल्म प्रमोशन का काम शुरू किया है जैसे आजकल आप सड़कों में देखते हो सर गाड़ियों पे ऐसे धूल होती ना शीशे पे मैं उंगली से लिखूंगा बधाई दो बधाई वो कहेगा कौन बेवकूफ लिख के गया बधाई दो छप जाएगा वो जाएंगे और जिनकी गाड़ियां साफ होंगी नहीं रहेगी मिट्टी शीशे पे फिर तो मेरे पास मिट्टी भी तो होगी ऐसे थोड़ी है सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बधाई हो क्या बात है ट्रेलर देखा है क्या काम किया आप दोनों थैंक यू सर आप नजर नहीं आए आपका क्या रोल था अरे ये फिल्म के डायरेक्टर है और सॉरी सॉरी वो डायरेक्टर वाली टोपी नहीं ना पहनी इसलिए मैंने पहचाना नहीं सर क्या फिल्म बनाई है ऐसे ही फिल्में आप बनाते रहे हमारा भी ध्यान रखो कितने सालों से यहाँ घूम रहा हूँ हमें भी रोल दो चाहे मुझे हीरो के ऑपोजिट दे दो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हीरो के ऑपोजिट हीरोइन होती है तो कोई बात नहीं मैं कर लूंगा मैंने किसिंग सीन नहीं करना ये मेरी थोड़ा सा फैमिली में रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में करवाएगा कौन जब मैंने मना ही कर दिया तो कौन करवा सकता है ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है ये तो सर राजी जो ट्रेलर है उसमें मैंने ये देखा है कि वो फैमिली बच्चों के लिए आपको बड़ा परेशान कर रही है सर सेम मेरे साथ हो चुका है सर अच्छा हाँ आपको फैमिली ने परेशान किया पुलिस ने नहीं फैमिली ने तो कंप्लेंट की थी कि इस बंदे ने हमारे बच्चे की चैन उतारी है अब क्या है कि छोटा सा बच्चा स्कूल इतना बड़ा बैग इतनी बड़ी गोल्ड की चैन मैं कहता उतार दे बच्चा गिर जाएगा मैंने तो हेल्प की बच्चे की मैं दुख नहीं दे सकता बच्चों का मैंने तो बच्चों चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ मैं कहा बेटे कोई बात नहीं मेरा रोज का काम है ऐसा कुछ नहीं हुआ पुलिस ने कुछ नहीं कहा आपको नहीं नहीं पुलिस ने रिस्पेक्ट की मुझे लेके गया ऑफिस वहां पे गर्मी बहुत थी बर्फ की सिल्ली पे लटा के मेरी इंटरव्यू की अर्चना जी मेरी इंटरव्यू की मेरे से सवाल किए सर आप कब से कर रहे हो आपके ग्रुप में कौन कौन है कितने कांड कर चुके मैंने एक एक जवाब बिल्कुल ठीक दिया उनको इतना अच्छा लगा दो साल के लिए साइन कर लिया मुझे जॉब मिल गई वहां पे ऐसे कौन सी जॉब मिल गई वो थोड़ी सीक्रेट है अंदर की बात है वहां पे 15-20 लोग थे मतलब खाना पीना सब उनका रहना सहना उनका कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे सिक्योरिटी तो इतनी टाइट थी मतलब बाहर से तो मिलने नहीं आ सकता हमको कोई नहीं ना बाहर जाना ना मतलब अरे आपको समझ में नहीं आ रहा आपको जेल हुई थी तू कह सकता है भाई हम किसी की सोच थोड़ी बदल सकते हैं तू कह सकता है सोच तो मैं अपनी वाइफ की नहीं बदल सका अच्छा उन्होंने आपकी क्वीन मूवी देखी क्योंकि मैं भी अकेली जाऊंगी हनीमून मनाने मैं क्या पाया अरे वो फिल्में होती हैं फिल्में असल में थोड़ी ऐसे होता है दिमाग खराब है अकेली नहीं जा सकती अकेली जाके क्या करेगी अगर जाना है तो पड़ोसी के साथ जा नहीं चलो छोड़ो सच में आपकी फिल्म बहुत अच्छी सुपर हिट होगी जोरदार तालियां ये मेरी दुआएं हैं कमाल की फिल्म है और मैंने अपनी एक बधाई क्लासिकल तैयार की है जरा बजाओ जी हाँ जी हमारे राज को बधाई दो हमारी भूमि को बधाई दो हमारे हर्ष को बधाई दो क्या बात सबको बधाई बधाई दो बधाई दो
क्या बात है मेरे साहब, क्या बात है साहब, क्या गाना गाया आपने। थैंक यू। क्या गाना गाया, एक बार ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये गाना मैंने गाया और ऑडियंस के लिए तालियां। ये कमाल है सर, आपका गाना सुन के एक भी आदमी ने उठ के हाथ नहीं उठाया आपके। क्या ऑडियंस आई है, क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह। खैर नमस्ते सर, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया, कैसे आप? हाँ मैं बढ़िया एकदम, मैं चाय वाला हूँ। हाँ मेरे इधर बाहर चाय का दुकान है। अच्छा, आप डायरेक्टर है ना? हाँ। अरे सब डायरेक्टर काम देते सबको। अरे नहीं, बहुत अच्छा साहब। सर आपके लिए तो मैं क्या को बोलूँ साहब, मतलब रात को 3 बजे भी अगर आपको चाय पीने का मन करे साहब तो खुद बनाओ, रात को हम लोग काम नहीं करते साहब। रात का अभी कोई काम वाम का अपना है नहीं। फ्लास्क फ्लास्क में डाल के दे। अरे साहब आपको तो किस में भी देंगे, लीजिए साहब आपके लिए स्पेशल एक। ये क्या है? ये सर दर्द की गोली। ये क्यों? अरे आपकी एंट्री है भाई। मैं तो सिर्फ गोली दे रहा हूँ, प्रोड्यूसर ने तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी मंगवाई सबके लिए। लेकिन साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। हाँ अच्छा। अरे क्या आपको मालूम है, आपके गाने की वजह से मेरे को कल 100 रुपया मिला। कैसे? तेरे को 100 रुपया गाना, मैंने 100 रुपया। अरे मेरे ना दोस्त के साथ शरत लग गई। मेरा दोस्त बोलता है इस दुनिया में जेनरेटर से ज्यादा इरिटेटिंग आवाज हो ही नहीं सकती। मैंने उसको आपका गाना सुना दिया, मेरे को 100 रुपया मिल गया। लेकिन जो भी है बहुत महान आर्टिस्ट है, ऐसा बात नहीं है, बहुत साल से हम लोग साथ में भाई। हमारा इंडस्ट्री में कैसा रहता है भूमि जी, राजकुमार जी? कुछ लोग रहता है जो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग रहता है बहुत नाम कमाते हैं, कुछ लोग रहता है बहुत इज्जत कमाते हैं। ये आदमी ने तीनों चीजें नहीं कमाई। बहुत कमाल है। सही बात है बिल्कुल। कुछ लोग मेहनत से आते हैं, कुछ टैलेंट से। ये मामा से आया। सर मेरा फैमिली को बीच में मत घुसाओ। हाँ अरे घुस तो तू रहा है, कभी मामे के डांस में घुस जाता है, कभी लड़कियों के कपड़ों में घुस जाता है, सपना बने क्या है तू सब। हाँ सब, आपके कुर्ते में 2 जेब है क्या? है ना? तो उसमें हाथ डाल के चलते बनो ना। मैं थप्पड़ मार देना तेरे। हाँ तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी साहब। वो तो इस एपिसोड में नहीं पहनी ना। चेंज द टॉपिक साहब, चाय लोगे? मैं ऐसी चाय नहीं पीता। तो एवोकाडो शेक पियोगे? ये क्या होता है? जब पता नहीं तो चाय पी के खत्म करो ना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.